हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप योर प्रिपरेशन इज गोइंग वेल इन दिस कोविड 19 ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ऑलराइट, सो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इज जस्ट मैथमेटिक्स। इन लास्ट क्लास, दैट इज लेक्चर नंबर 6 ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वी जस्ट स्टार्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, इन लास्ट क्लास रे हमें कौन पढ़ी थे बेटा, कि स्ट्रेट लाइन लो जस्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर चले, बट स्ट्रेट लाइन को पूरा प्रॉपर्ली स्टडी करिया पई ता पई तार फ्री रिक्वायरमेंट स्लोप इंक्लिनेशन ए सब जिंस पढ़ीतले बेटा। स्लोप बहुत यूनिक जिंस, स्लोप टा बहुत इंपोर्टेंट। स्लोप रो इंपोर्टेंट कोन, एटा यूनिक आइडेंटिटी। केवल गोटे लाइन लो ही केवल गोटे एकमात्र स्लोप पॉसिबल। जमती गोटे ह्यूमन बीइंग्स रो गोटे मनीष रो यूनिक आइडेंटिटी कौन, आधार कार्ड। जमती तार आधार कार्ड रो केवल गोटे लोक रो केवल गोटे नंबर जोटा कि कोई पारे आम यूनिक आइडेंटिटी। ओके, तो सिमिलरली गोटे स्ट्रेट लाइन रो यूनिक आइडेंटिटी कौन ना स्लोप। तो गोटे स्ट्रेट लाइन रो केवल गोटे स्लोप पॉसिबल, से बहुत इंपोर्टेंट। सो समस्ते मन रखा कि स्लोप कौन यूनिक आइडेंटिटी। ओके, यूनिक आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, कारण स्ट्रेट लाइन लो यूनिक आइडेंटिटी कौटा स्लोप। जमती आधार कार्ड गोटे लोकर गोटे ह्यूमन बीइंग्स रो यूनिक आइडेंटिटी कौन, आधार कार्ड। जे तार आधार कार्ड नंबर आउ अन्य लोक सहित मैच हम। सिमिलरली गोटे स्ट्रेट लाइन रो स्लोप आउ का सहित मैच हम, ये लिखिद इक्विवेलेंट टू आधार कार्ड। ओके, एटा मन रखिया को सुविधा हबो जे केवल यूनिक फीचर बुझेला। तो आमे लास्ट क्लास ले गुटे लाइन लो इंक्लिनेशन देथिले, स्लोप केमती काडीबा, स्लोप देथिले इंक्लिनेशन केमती काडीबा, आ दी गुटे लाइन ऊपर दीटा पॉइंट देथिले स्लोप केमती काडीबा, ए तीनटा कॉन्सेप्ट डिस्कशन करते। ओके, आज आम स्ट्रेट लाइन लो वेरी इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करिया, वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट कौन ना सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन। जे आम गोटे स्ट्रेट लाइन क्या कहवा, ओके, सो डेफिनेशन बेटा समस्त लेख एवं केयरफुली बुझ एटा को। ओके, तो कौन कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स such that slope calculated between मग लिखि दो जी तापर बुझो जी जे कांसेप्ट आ कोन टू between any two points is always same or constant। जे या माने कौन बुझिले, आमे बेटा जानचंती गुटे स्ट्रेट लाइन उपरे केतरा पॉइंट अछि, असंख्य पॉइंट अछि। सो बुझियाला, सो असंख्य पॉइंट भितर मु जे कोनसी दीटा पॉइंट को उठेबी, तां दीटा पॉइंट भितर किमिति स्लोप काडीबा लास्ट क्लास रे पढ़ी चंती, जे कोनसी दीटा पॉइंट को उठेबी तार स्लोप काडीबी। तो आमे हेटि कोन ऑब्जर्व करिया, सब पॉइंट रो स्लोप। फॉर एग्जांपल एटा उटे स्ट्रेट लाइन, ऑलराइट, स्ट्रेट लाइन एल, एटा एक्स एक्सिस एटा वाई एक्सिस। तो ए स्ट्रेट लाइन एल उपरे केतरा पॉइंट अछि, ए पॉइंट गुटे अछि, बी पॉइंट गुटे अछि, सी अछि, डी अछि, ई अछि, एंती इनफाइनाइट पॉइंट अछि। ओके, बुझियाला। तो ये कोन कहउछि जे आमे एको स्ट्रेट लाइन केतले कहिबा जे जेकोनसी दीटा पॉइंट को आमे उठेबी, सपोज मु ए बी को नेली, ता भीतर स्लोप कैलकुलेट करबी, एम ए बी कैलकुलेट करली। एम ए बी माने कौन, ए बी पॉइंट जो टू पॉइंट फॉर्म लास्ट क्लास रे डिस्कस करथिले, जे दीटा पॉइंट को नहीं कि वाई टू माइनस वाई वन बाय एक्स टू माइनस एक्स वन कले जा स्लोप आसीबो। सिमिलरली मु ए सी डी को नेबी, एम सी डी कैलकुलेट करबी। ओके, किमिति ना y2 minus y1, x2 minus x1 करिकी, सपोज आउ दुटा पॉइंट नेली, b आउ f नेली, m b f कैलकुलेट करी। तो एठ मु कम पाइबी ना सब गुडा सेम हबो, एटा होची स्ट्रेट लाइन लो डेफिनेशन। m a b विल बी इक्वल टू m c d इज इक्वल टू m b f इज इक्वल टू जे कोनसी दुटा पॉइंट नेजी,
एम डी जेकोसी दीटा इजिकाल टू एम ए डी जेकोसी दीटा पॉइंट उठेबी तांको भितर स्लोप कैलकुलेट करी देन सेमानकर स्लोप समान हम एटा कौन यूनिक आइडेंटिटी ऑफ ए स्ट्रेट लाइन बुझी होची एठी कौन होची जे स्लोप कैलकुलेटेड बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज ऑलवेज सेम एटा वेरी इंपोर्टेंट लाइन जे सब बेले सेम हम बुझेला कि नहीं दे आम जानते गोटे स्ट्रेट लाइन उपर असंख्य पॉइंट अच्छी असंख्य पॉइंट रु जेकोसी दीटा तुम इच्छा कि मो इच्छा आम जेकोसी दीटा पॉइंट नहीं पार दीटा पॉइंट नहीं कि टू पॉइंट फॉर्मेट यूज कर स्लोप कैलकुलेट करवा पुणी आउ दीटा नुआ पॉइंट नवा पुणी स्लोप कैलकुलेट करवा दिजर स्लोप सामान आस तो मैंने कौन गोटे स्ट्रेट लाइन रण दे ऑलवेज स्लोप इज कांस्टेंट ओके बुझेला कि नहीं जो स्ट्रेट लाइन जेते भी पॉइंट अच्छी जेकोसी दीटा पॉइंट को नेबी तार स्लोप जहाँ आसो पुणी आउ दुटा नुआ पॉइंट नेबी से स्लोप सामान हम तो दैट मीनस आम कौन शिखिले ना गोटे स्ट्रेट लाइन स्लोप इज ऑलवेज कांस्टेंट से स्लोपटा को मुझे कौन कही आधार कार्ड ऑफ ए स्ट्रेट लाइन ओके आधार कार्ड मीन्स तार केवल यूनिक नंबर से स्लोप रो आस एम इज इक्वल टू टू मान से केवल गोटे स्ट्रेट लाइन ओके बुझेला कि नहीं बुझेला कि नहीं बेटा ओके मु बुझेबी अब दुटा पारालाल लाइन हेले समानकर स्लोप समान हबो सेटा को गुटे फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन कहबा या पर आमी पढिबा दुटा पारालाल लाइन हेले समानकर स्लोप समान हबो ओके बुझि होची कि नहीं ओके ऑलराइट सो नोट डाउन एवरीवन दिस पॉइंट वेरी इंपोर्टेंट आउ एटा डेफिनेशन लिखि दियो जे कोन जे दुटा पॉइंट भितर जो स्लोप कैलकुलेट करबे ऑलवेज सेम रहबो गुटे स्ट्रेट लाइन पई एटा होची बेसिक कांसेप्ट तापर एटा लेख सला पर आमे कोन पढिबा वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यापर कोन पढिबा वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखि दियो समस्ते तो बेटा आमे एबे कोन पढिबा वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ एसटी मीन्स स्ट्रेट लाइन्स ओके शॉर्ट रे एसटी लिखा हुआ तो आमे एबे कोन इक्वेशन रो वेरियस फॉर्मेट पढिबा सिक्स फॉर्मेट्स आर देयर आमे वन बाय वन डिस्कस करिबा ओके टू डेज क्लास रे आमे तीनटा फॉर्म डिस्कस करिबा फर्स्ट फॉर्म कौन टू पॉइंट फॉर्म जे गोटे स्ट्रेट लाइन उपरे दुटा पॉइंट दिया हितो तार इक्वेशन केमिति लिखिया बेटा गोटे स्ट्रेट लाइन रो इक्वेशन कहले एमिति गोटे आमे जनरल फॉर्म लिखिबा जे से लाइन उपरे जेते भी पॉइंट अछि जो असंख्य पॉइंट अछि जे कोनोसी पॉइंट को पुट करले से सटिस्फाई करिवो से इक्वेशन को इक्वेशन रो मीनिंग होछि सेया ओके सो फॉर एग्जांपल आमे गोटे पूरा केस को डिटेल स्टडी करिवा गोटे एटा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओके गोटे स्ट्रेट लाइन अछि फॉर एग्जांपल एमिति गोटे स्ट्रेट लाइन अछि ओके एटा स्ट्रेट लाइन एल लेट्स से या परे बेटा दीटा पॉइंट नहीं जीवा ए गुटे पॉइंट तार कोऑर्डिनेट केते अछि एक्स वन कमा वाई वन पॉइंट से बेस इंपोर्टेंट बी गुटे अछि एक्स टू कमा वाई टू आउ गुटे बेटा कौन अछि ना वेरिएबल पॉइंट अछि वेरिएबल पॉइंट माने कौन ए पॉइंट रो एक्जाक्ट लोकेशन आम जानना ए एठी आई पारे एठी आई पारे एठी आई पारे एठी आई पारे तो एनी पॉइंट ऑन स्ट्रेट लाइन एटा को वेरिएबल पॉइंट कह हवे पी नेले कौन एक्स कमा वाई एटा एठी एठी एटा मूविंग पॉइंट ओके तो ये कौन दुटा आम पॉइंट कोऑर्डिनेट जना जे ए स्ट्रेट लाइन रो आम इक्वेशन लिखा कौन एटार इक्वेशन रो ना टू पॉइंट फोर ओके बेटा आम स्लोप अलरेडी पचार स्लोप ऑफ ए बी लिखिपर केते एम ए बी केते हम बेटा ये जो टू पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करी कौन वाई टू माइनस वाई वन बाय एक्स टू माइनस एक्स वन ओके देन लेट्स से ए गोटे पॉइंट नेबी आ गोटे पी पॉइंट नेबी एटा ए भी गोटे पॉइंट पी गोटे मूविंग पॉइंट से भी लाइन उपर अच्छे सो से स्लोप भी काढ़ी पारि एपी बुझी दे यही दुटा ए आ पी पॉइंट को नहीं कि से स्लोप के हम यहीटा सेकेंड पॉइंट ना कौन हम वाई माइनस वाई वन बाय एक्स माइनस एक्स वन यहाँ सेकेंड पॉइंट यहाँ फर्स्ट पॉइंट ना तो ये जो एपी रो स्लोप एपी रेखाखंड रो स्लोप के हम वाई माइनस वाई वन बाय एक्स माइनस एक्स वन बट प्रीवियस आम स्लो जो स्ट्रेट लाइन रो डेफिनेशन कौन पड़े ना एनी टू पॉइंट भितर जो स्लोप कैलकुलेट हम तो सेम हम ओके ताने कौन फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आम प्रीवियस कौन डेफिनेशन स्ट्रेट लाइन ले पढ़ले जे जेकोसी दुटार स्लोप सामान हम एम ए बी इजिकाल टू एम एपी ओके सामान हम कि नहीं तो पढ़ले ना जे
कौन जेकोसी दीटा भितर जो स्लोप कैलकुलेट हो सामान हम जो जस्ट प्रीवियस डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कौच ते दीटा सेम हम बुझी कि ना तो लिखिद वाई टू माइनस वाई वन बै एक्स टू माइनस एक्स वन इजिकाल टू वाई माइनस वाई वन बै एक्स माइनस एक्स वन आम यहीटा को रीअरेंज करवा बेटा कौन करवा यू क्रॉस मल्टीप्लाई करवा टर्मटा को ये क्रॉस मल्टीप्लाई करवा सो कौन मिलेगा आमको वाई माइनस वाई वन इजिकाल टू वाई टू माइनस वाई वन बै एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन ओके रीअरेंजमेंट करदेला इक्वेशन टा पाइले समस्ते बॉक्स पुट कर आ ट्रिपल स्टार दि दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एटा कौन आमको मिलला इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन टू पॉइंट फॉर्म बुझीगला कि दीटा पॉइंट दे लाइन ऊपर रोथिबा दीटा पॉइंट दे तार इक्वेशन केता हबो वाई माइनस वाई वन इजिकाल टू वाई टू माइनस वाई वन बै एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन ये कौन इंडिकेट करुची ना ये कौन आमको बताऊँची कौन को बताऊँची बेटा कि ये जो जनरल इक्वेशन टा आसला ये लाइन ऊपर जेकोनोसी पॉइंट को नेबी एटा गोटे पॉइंट एटा गोटे पॉइंट एटा गोटे पॉइंट एमती इनफाइनाइट पॉइंट अच्छे सब पॉइंट को पुट करदे मुझे जानी तार कोऑर्डिनेट के लेट से वन कमा वन गोटे पॉइंट या उपर लाइक करा पुट करदे या सैटिस्फाई कर सैटिस्फाई मैं कर मैंने कौन लेफ्ट हैंड साइड रे जहाँ भैल्यू आसो राइट हैंड साइड रे से भैल्यू आस बुझीला कि नहीं पाने ओके सो एवरीवन नोट डाउन अप टू दिस पॉइंट वेरी इंपोर्टेंट एवरीवन नोट डाउन तो बेटा आम गोटे क्वेश्चन सॉल्व करवा टू पॉइंट फॉर्म इक्वेशन जो इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ले इन टू पॉइंट फॉर्म ता बेसिस रे गोटे क्वेश्चन सॉल्व करवा सो दैट आम आम डाउट क्लारीफाई कर पारिबा आउ से फॉर्मूलार केमती यूज हम आम जानपरिया ऑलराइट एठी कौन कहिछि राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स वन कमा माइनस वन एंड थ्री कमा फाइव यही दुटा पॉइंट देकी जो लाइन जाऊँगी तार इक्वेशन आमको लेख ए बी दुटा पॉइंट देखी पॉइंट देकी जो लाइन टा पास करुच्ची तार इक्वेशन लेख बेटा गोटे लाइन उपर असंख्य पॉइंट बट आम यूक्लिड जो ग्रेट मैथमेटिशियन यूक्लिड कौन आमको कही दीटा पॉइंट देकी केवल गोटे स्ट्रेट लाइन पास कर पार एटा स्कूल लेवल ले पढ़ी थी आपण मैंने ठीक अच्छे यूक्लिड मैथमेटिशियन कौन कहते तांकोपाई आज ज्योमेट्री बहुत जिनस पॉसिबल से बहुत किसी थियोरम बहुत किसी जिनस को सिंप्लीफाई कर ज्योमेट्री ओके तो से कौन कहते ना दीटा पॉइंट देखिए केवल गोटे मात्र स्ट्रेट लाइन पास कर पारे इटी कौन दे दीटा पॉइंट दे तो तार इक्वेशन लिखा कही तो मैंने कौन फास्ट पॉइंट को एक्स वन नहीं एक्स वन कमा वाई वन एक्स वन के वन वाई वन माइनस वन आईटा को एक्स टू वाई टू ना एक्स टू इजिकाल टू थ्री वाई टू इजिकाल टू फाइव सो अप्लाइंग द टू पॉइंट फॉर्म इक्वेशन वी गेट आम टू पॉइंट फॉर्म कौन अच्छी वाई माइनस वाई वन वाई वन ठीक है माइनस वन माइनस ऑफ माइनस वन इजिकाल टू के वाई टू माइनस वाई वन तो फाइव माइनस ऑफ माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन थ्री माइनस वन होल इन टू एक्स माइनस एक्स वन के वन लिखीदे तो एक सिंप्लीफाई कलापर कौन हो लेफ्ट वाई प्लस वन एक्सप्रेसन टा थ्री हो इंटू एक्स माइनस वन सो एक सिंप्लीफाई कले कौन हम वाई प्लस वन इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस वन सो वाईटा सब टर्म सेपट को नहीं गले थ्री एक्स माइनस वाई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो यहाँ कौन रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन ओके मैंने कौन जो आम इक्वेशन दरकार यहीटा ही से इक्वेशन सब मन रख बेटा गोटे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन एक्स टर्म रई टर्म रनस्टाट रके बुझे कि ना तो एक्स टर्म रई टर्म रनस्टाट रके बुझीला सो एबे जो रिक्वायर्ड इक्वेशन लाइन कौन एटा होगा आम या पढ़ा गोटे लाइन जनरल इक्वेशन एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजिकाल टू जीरो ओके गोटे एक्स टर्म रई टर्म आनस्टाट टर्म आउ ए इजिकाल टू बी नॉट इक्वल टू जीरो साइमल्टेनियसली ए बी दि जन जीरो हो पारे ए बी दि जन जीरो कनस्टाट इजिकाल टू जीरो तो मिनिंगलेस बुझी कि ना
तो ए जड़े जीरो पार नो प्रोब्लेम बट साइमल्टेनियसली जीरो हेनी आम पढ़ा आगे जनरल फर्म जो आसो पढ़ा ओके तो समस्त नोट कर दिव आते इम्पोर्टेंट कथा बुझ एटा जो इक्वेशन आसला ये कौन बुझौती ना ये जो इक्वेशन आसला तो ये दुटा पॉइंट छाड़ी आहरी भी असंख्य पॉइंट स्ट्रेट लाइन अच्छा से ही पॉइंट गुड़ाक जब ये पुट करदे सब ओके तो यार वैल्यू केटा जीरो बुझेगा कि ना यार वैल्यू के जीरो ओके सो नोट डाउन जदि जेकोसी गोटे पॉइंट से लाइन उसे पुट करदे ये जो लेफ्ट साइड एक्सप्रेशन टा जीरो कहीं राइट रे जीरो अच्छे ऑल राइट सो नोट डाउन एवरी वन तापर आम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा पॉइंट स्लोप फॉर बेटा आउ गोटे कथा मुझे कह सपोज कही चेक वेदर टू कमा थ्री आमको चेक करने को अच्छी टू कमा थ्री ये लाइन उपरे रही कि ना चेक वेदर दिस पॉइंट लाए ऑन दिस लाइन और नॉट ये पॉइंटा ये लाइन उपर रही कि ना चेक करवा कमी चेक करवा ना ये पॉइंटा कोई पुट करदे टू कमा थ्री को पुट करवा टूटा कहार वैल्यू एक्स रैल्यू थ्री टा कहार वैल्यू वाई रो एक्स जगह थ्री टू वाई जगह थ्री पुट करवा के थ्री इंटु टू माइनस थ्री माइनस फोर के सिक्स माइनस सेवेन इजिकल टू माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो जीरो सहित सामान हो कहीं जीरो सैटिस्फाई कर बुझे कि दैट मीनस टू कमा थ्री डज नॉट लाए ऑन द लाइन तामने टू कमा थ्री ए लाइन उपर रही ना बुझेगा जदि सैटिस्फाई करता मैंने यार वैल्यूटा ये पॉइंटा को पुट करदेलापर जब जीरो आम कौन कही था ना ये पॉइंटा ये लाइन उपर रोच बुझेगा सपोज यहीटा लाइन एल तो से पॉइंटा टू कमा थ्री ए लाइन उपर अच्छे ओके बट एटी ना लाइन उपर ना बाहर कौटी रान ये लाइन उपर रही टू कमा थ्री एटी कौटी अच्छे बुझेगा कि ना जेहतु सैटिस्फाई करना ऑल राइट सो यू कैन राइट डाउन दिस पॉइंट एज वेल तो बेटा आम एबे कौन डिस्कस करिबा ना पॉइंट स्लोप फॉर्म डिस्कस करिबा कौन डिस्कस करिबा बेटा पॉइंट स्लोप फॉर्म ना गोटे इक्वेशन ऑफ गोटे लाइन लो इक्वेशन लिखा जो गोटे ये जो लाइन टा गोटे पॉइंट दे कि पास करुची आ गोटे तार स्लोप दिहाई तार इक्वेशन केमते लिखिबा एटा ओके सपोज गोटे लाइन अच्छे फॉर एग्जांपल एटा गोटे लाइन अच्छे ऑलराइट ए लाइन उपर गोटे फिक्स पॉइंट ए लाइन टा गोटे पॉइंट दे कि पास करुची एक्स वन कमा वाई वन ओके आउ ए लाइन लो स्लोप केते कहिछि स्लोप इज इक्वल टू एम ए लाइन लो स्लोप दे देछि एम आ गोटे पॉइंट देछि एक्स वन कमा वाई वन तो यार इक्वेशन लिखिया कहिछि डाटा ए दीटा गिवन अछि आ गोटे आमे वेरिएबल पॉइंट नबा मूविंग पॉइंट एक्स कमा वाई आम जानना दे पॉइंटा कोठी अछि बट ये ए लाइन उपर रहउछि ओके टू कमा थ्री फोर कमा फाइव आम जानना दे बट ये गोटे वेरिएबल पॉइंट जे कि ए लाइन उपर रहउछि बुझेला कि नाही बेटा ओके यार एक्जाक्ट पोजीशन जान ना एठी हो पारे एठी हो पारे एठी पारे लेट्स से आम एठी एज्यूम करले रफ डायग्राम रे रेज्यूम करले बुझेला यार कौन आमको गिवन अच्छी डाटा गिवन कौन कौन अच्छी स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू एम ओके एंड ए फिक्स्ड पॉइंट केते देछि एक्स वन कमा वाई वन आमे सब डेफिनेशन ऑफ लाइन यूज करवा से इक्वेशन काढ़ बुझे कि एक्स वन कमा वाई वन ओके सो फास्ट आम कौन ये जो स्लोप काढ़ीद एबे एटा गोटे पॉइंट एटा गोटे पॉइंट ए लाइन उपर अच्छे एटा गोटे पॉइंट फिक्स पॉइंट एटा मूविंग पॉइंट तो यही दुटा पॉइंट को यूज करके स्लोप कैलकुलेट करके से स्लोपटा ये एम सहित इक्वाल हम कहीं आम जानते गोटे स्ट्रेट लाइन केवल गोटे स्लोप पॉसिबल तो आमर जतटा मेथड अच्छी स्लोप कैलकुलेट करने से गोटे स्लोप ऑलरेडी दे देदेज पुणी आम टू पॉइंट फोर में तो स्लोप कैलकुलेट कर सो से दुटा स्लोप को इक्वेट करदे ओके सो आम कौन करवा स्लोप ऑफ एल इज ब्राकेट भीतर लिख दियो फ्रॉम 2 पॉइंट दीटा पॉइंट दे थे स्लोप केमती कड़ा हुए केमती कड़ा हुए इजिकल टू कहते वाई एटा को सेकेंड पॉइंट नेले वाई माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन एटा को फास्ट पॉइंट एटा को सेकेंड पॉइंट नहीं कि आम कैलकुलेट कर पारिबा वाई टू माइनस वाई वन हुए एटा वाई
y2 যে কেতে y y2 y1 x2 x1 এটা কোন এই লাইন লো স্লোপ আউ ইনিশিয়াল সে কইছে এই লাইন লো স্লোপ কেতে m সো ফ্রম দ্য ডেফিনিশন অফ স্ট্রেট লাইন ফ্রম দ্য ডেফিনিশন অফ সংজ্ঞা স্ট্রেট লাইন লো সংজ্ঞা রু ডেফিনিশন মিন সংজ্ঞা ডেফিনিশন অফ স্ট্রেট লাইন উই হ্যাভ তো আমি কোন লিখি পারিবা y minus y1 is equal to x minus x1 is equal to m तो एटा भी स्लोप एटा भी स्लोप ना हमें जान छंदी गुटी स्ट्रेट लाइन लो केवल गुटी स्लोप पॉसिबल सो एटा इज इक्वल टू एटा हबो कने इनिशियल से स्लोप दे दी छी m बट हमें टू फॉर्म फॉर्मेट यूज कर के स्लोप पाइले ती कि ता माने ए दीटा इक्वल हबो यस और नो हबो सो एटा को हमें मॉडिफाई करी कोन लिख परबा कोन लिख परिया बेटा एटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दवा या सहित y minus y1 is equal to m whole into x minus x1. All right. So, eta kono equation of straight line. Kono eta equation of straight line in point slope form. In point slope form. Okay. Point slope form mane beta kono? Ta mane gutte point dei thibo, au slope dei thibo. To taro इक्वेशन केमती काढिबा कोन पका हबो y minus y1 is equal to a, m into x minus x1 बुझेला सो एटा कोन कोन कुआ होए ना स्ट्रेट लाइन लो इक्वेशन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म माने कोन ना को स्लोप दिया हितबो लाइन लो आउ गुटे पॉइंट फिक्स पॉइंट जे कि लाइन दे कि पास करूची एठी कोन एटा तार कोऑर्डिनेट दिया हितबो तो देन तार इक्वेशन केमती काढिबा ऑलराइट So using this method, we can calculate its equation. Equation माने तारे general form उटा लिखिवा जे कि सही line ऊपर अन्य जति के असंख्य point होची सही line को एटा satisfy करिवो. बुझियाला? So everyone note down this concept. Okay? Note down everyone. Just pause the video and write everything here. तो बेटा हमें कौन पॉइंट स्लोप फॉर्म रे इक्वेशन ऑफ लाइन टा को एबे हमें डिस्कस करले बेटा कांसेप्ट टा को पढिले एबे से कांसेप्ट बेसिस रे से डिस्कशन बेसिस रे गुटे प्रॉब्लम सॉल्व करिवा सो दैट से इक्वेशन को हमें केमती यूज करिवा तो हमको आईडिया आसी जीवो ऑलराइट सो लेट अस कंसंट्रेट हियर फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू और पासिंग थ्रू मींस ए लाइन टा ए पॉइंट देख पास पास कर छु -2,1 एंड विथ स्लोप -3 कोन दे छि स्लोप दे छि -3 माने m दे छि -3 आ गुटे पॉइंट दे छि फिक्स पॉइंट त माने x1, y1 सो कोन एटा x1, y1 एटा m दे छि -3 तो तार इक्वेशन लिखवा को कहि छि ओके सो एटी कोन कोन डाटा गिवन अछि m -3 अछि x1 minus 2 y1 1 okay so equation of line from point slope form abe just jota ame padhile kon achi y minus y1 is equal to m into x minus x1 so sab data to amku given achi put kar daba equation le y1 badalar kete put kariba 1 m badalar kete put kariba minus 3 ethi x1 badalar kete put kariba minus 2 so kete ame paiba तो एठी सब पॉइंट ए जो इक्वेशन ले पुट कर देला परे y माइनस y1 केते 1 अछि m केते अछि माइनस 3 तापर x अछि x रहला माइनस अछि x1 केते माइनस 2 सब पुट कर देला परे हमें कम पाइले बेटा एठी जे y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस 3 होल इनटू एटा कोन प्लस 2 हे जो माइनस माइनस प्लस हे जो x प्लस 2 एको सिंपलीफाई कर देले राइट रे कोन आसीओ लेफ्ट रे y minus 1 राइट रे केता आसीओ minus 3x minus 6 ओके सो आमे कोन करिबा ए सब टर्म को लेफ्ट को ट्रांसफॉर्म कर दे सब ताने साइन चेंज हे जो माइनस टा प्लस हे जीवो सो प्लस 3x प्लस y एटा प्लस 6 हे जीवो सो 5 हे जीवो सो ए दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन ऑलराइट तो एटा कोन ए लाइन लो इक्वेशन ओके सो एटा कोन आसीला जो गिवन डाटा अछि एटा लाइन ले इक्वेशन एठी बेटा समस्त ऑब्जर्व कर एक्स टर्म अछि वाई टर्म अछि आ 5 अछि एक्स वाई रो कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट एठी सहग जोटा उड़िया रे एक्स रो सहग केते 3 वाई रो 1 तो दि जण साइमल्टेनियसली 0 हि जिवेन जे 0 हि जिवो ताले सेटा लाइन लो इक्वेशन हबन बुझियाला
सो समस्ते ये जो क्वेश्चन टाक राइट डाउन कर दियो ओके वीडियो को पॉज कर राइट कर दियो लिखि दियो समस्ते नोट रे। तो बेटा एठी आउ गोटे कथा कह सपोज मु क्वेश्चन पचारि चेक व्वेदर दिस पॉइंट को पॉइंट माइनस वन कमा माइनस टू लाए ऑन दिस लाइन और नॉट केमती चेक करवा जस्ट ए पॉइंट टाक एठी पुट कर दबा एक्स जगह रे केते पुट करिया माइनस वन वाई प्लेस रे केते पुट करिया माइनस टू पुट कर दियो थ्री इंटू माइनस वन प्लस वाई जगह रे माइनस टू प्लस फाइव एटा केते होची माइनस थ्री माइनस टू केते माइनस फाइव केते हबो माइनस फाइव प्लस फाइव केते हेगला जीरो हेगला इजिकल टू आर एच एस ना तो ये लेफ्ट हैंड साइड रू स्टार्ट करवा तो केते होची आर एच एस पाई तामने ये लाइन को ये सैटिस्फाई कर पॉइंट तो तामने कौन लिखा माइनस टू कमा सरी माइनस वन कमा माइनस टू लाए ऑन दिस स्ट्रेट लाइन लाए ऑन दिस स्ट्रेट लाइन थ्री एक्स प्लस फाइव सरी प्लस वाई प्लस फाइव इजिकल टू जीरो तामने ये पॉइंट लाइन उपर कौन लाए करुच माने प्रेजेंट अच्छे माने उपस्थित अच्छे ऑल राइट सो राइट नोट डाउन एवरी वन पॉइंट टाक भी लिखिदि ओके। तो नेक्स्ट आम डिस्कस करवा बेटा कौन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यहाँ आजिकार लेक्चर लास्ट फॉर्म डिस्कस करके गोटे क्वेश्चन सॉल्व करवा देन डीपीपी थ्री सॉरी डीपीपी एटा सेवेन यहाँ लेक्चर नंबर सेवेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रो डीपीपी सेवेन प्रोवाइड करहब ओके। तो आप लेक्चर देख सारिकी डीपीपी सेवेन सॉल्व करिव जदि क्वेश्चन हो जाऊँगी तामने आपण मानक लेक्चर बा कॉन्सेप्ट थरली बुझा पड़ जाए ऑलराइट वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट आई विल टीच यू टीच मैथमेटिक्स इन सच ए वे दैट इट विल टच टू योर हार्ट ओके डोंट वरी आई एम ऑलवेज विथ यू वेदर इट सी एच एस ई बोर्ड और जेई मेन्स और आई आई टी जेई नो प्रॉब्लम एवरी टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट विल बी एक्सप्लेन्ड इन सच ए वे दैट इन सिंप्लीफाइड मैनर एंड इन विजुअलाइज वे मीन्स यू कैन मैथमेटिक्स टाक पूरा आखिरे ही देखि हे ओके। सो राइट डाउन एवरी वन आम नेक्स्ट कनसेप्ट पढ़ा ओके। तो बेटा आम एवं बहुत इम्पोर्टाट कनसेप्ट डिस्कस करवा जोटा कि थर्ड फर्म ओके दैट इज कौन यार नेम स्लोप इंटरसेप्ट फर्म समस्त हेडिंग दे दियो स्लोप इंटरसेप्ट फर्म जे गोटे स्ट्रेट लाइन स्लोप दे थी आउ इंटरसेप्ट कौन बेटा एवं मुझे आपको थरली एक्सप्लेन करी इंटरसेप्ट कौन आगे बुझा दरकार जे स्लोप दे थी इंटरसेप्ट दे थी देन लाइन लो इक्वेशन केमती काढ़ ऑलराइट एटा गोटे लाइन ओके एल ओके बुझे लगे ना ए लाइन लो स्लोप दे केते एम ए एल लाइन लो स्लोप दे एम आउ इंटरसेप्ट कहले बेटा कौन बुझा आम जे सी इंटरसेप्ट ओनली इंटरसेप्ट कहले वाई इंटरसेप्ट एबे जदि वर्ड खाली इंटरसेप्ट दिया माने सेटा को वाई इंटरसेप्ट तो एक्स इंटरसेप्ट भी आसी पारे मु नेक्स्ट डिस्कस करी बट वाई इंटरसेप्ट रो मीनिंग कौन जे एटा वाई एक्सिस एटा एक्स एक्सिस ओके। तो लाइन टा जो पॉइंट रे वाई एक्सिस को कट करुछि सपोज एटा ए पॉइंट रे वाई एक्सिस को कट करुछि ओके को पॉइंट रे एक्स ए पॉइंट रे का को कट करुछि वाई एक्सिस को ओके तो सही पॉइंट रो डिस्टेंस ओरिजिन थारू सही पॉइंट रो डिस्टेंस ओरिजिन थारू केते तो सेटा को वाई इंटरसेप्ट को आवे बुझियाला। तो वाई इंटरसेप्ट रो मीनिंग कोन आउ थोर बेटा कहूची जे लाइन टा वाई एक्सिस को जो पॉइंट रे कट करूची बा छेद करूची जो पॉइंट देकी एटी ए पॉइंट देकी ए लाइन टा वाई एक्सिस को रे वाई एक्सिस को मीट करूची बा कट करूची बा छेद करूची ओडिया रे तो ए पॉइंट रो डिस्टेंस ओरिजिन थारू ओके तो केते डिस्टेंस हबो सपोज ए डिस्टेंस टा सी ओके स्मॉल सी तो ए सी टा को कौन कहबा वाई इंटरसेप्ट बट खाली वर्ड इंटरसेप्ट कह देला माने ताकु वाई इंटरसेप्ट ही बुझिबा आउ एक्स इंटरसेप्ट से मेंशन कर बट ओनली इंटरसेप्ट कहले माने कौन वाई इंटरसेप्ट कहले कौन बुझा जे जो लाइन टा जो पॉइंट रे वाई एक्सिस को कट करुची सही पॉइंट रो डिस्टेंस ओरिजिन थारू केते ओके तो एठी उठी डिस्टेंस केते सी बुझियाला। सो ए पॉइंट रो कोऑर्डिनेट कौन हो बेटा ए पॉइंट रो कोऑर्डिनेट कौन हो मुझे लिखुची जेहेतु आम जानते यहाँ ए पॉइंट टा वाई एक्सीस्पर रही तार एक्स कोऑर्डिनेट जीरो
ओके देन वाई कोऑर्डिनेट केते होबो ना एक्स एक्सिस ठारु केते डिस्टेंस सो ए पॉइंट रो एक्स एक्सिस ठारु केते डिस्टेंस सी सो ए रो कोऑर्डिनेट केते हिजबो 0, सी बुझियाला कि नाही तो इनडायरेक्टली एबे ये लाइन तारो कोन आमे स्लोप जानी होले आ गुटे पॉइंट जानी होले तो तारो पॉइंट स्लोप फॉर्मेट रे इक्वेशन लिख परिबा कि नाही किंतु से इंटरसेप्ट देथिवो बट से इंटरसेप्ट रु आमे पॉइंट टा काढबा बुझियाला सब डिस्कशन बुझियाला कि नाही देन आमे एठी लिखबा एबे कोन सब गिवन दिआइछ लाइन जे कोन दिआइछ एठी स्लोप देइछ केते एन ओके आउ इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट कहला माने ओनली वाई को बुझिबा मु कह दे वाई इंटरसेप्ट केते अछि इंटरसेप्ट सी दे स्मॉल सी ओके तो बुझे देली इंटरसेप्ट माने से लाइन टा जो पॉइंट रे कट करूची वाई एक्सिस को तारो दूरता ओरिजिन थारु केते सी दे दे ता माने एर कोऑर्डिनेट केते हिजो 0, सी ओके तो आमे कोन लिखि परबा कोन लिखिबा अतएव कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए पॉइंट होयर लाइन मीट होयर लाइन मीट मीट्स द वाई एक्सिस जो पॉइंट रे ए लाइन टा वाई एक्सिस को मीट करुची तार कोऑर्डिनेट केते ए को पॉइंट रे मीट करुची ए पॉइंट तो एर कोऑर्डिनेट केते 0, तो इट पाइले ना 0, तो इनडायरेक्टली एबे आम पाखर डाटा कौन कौन स्लोप जना अछि आ गुटे पॉइंट जना अछि ए 2 फॉर्म ए प्रीवियस जो पढ़िले सॉरी पॉइंट आ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ए पॉइंट ता दिया आइछि एठी आ स्लोप एम दिया आइछि सही कांसेप्ट अनुसार ए इक्वेशन ला अप्लाई करिके आमे इक्वेशन लिख परिबा कि नाही ओके लिख परिबा सो लेट अस अप्लाई दैट फॉर्मूला तो बेटा आमे एबे कोन करिबा एबे कोन ए जो पॉइंट आ स्लोप फॉर्मेट यूज करिके कोन करिबा यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म वी गेट तो आमे पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करिकी इक्वेशन ऑफ लाइन कौन पाइबा वाई माइनस वाई इन वन इज इक्वल टू एम होल इनटू एक्स माइनस एक्स वन एठी वाई तो अच्छी वाई वन केते वाई वन माने एटा एटा एक्स वन एटा वाई वन ओके तो वाई वन केते सी एम तो एम एक्स माइनस एक्स वन केते 0 तो इटा सॉल्व कर देले वाई माइनस सी इज इक्वल टू केते एम एक्स सो वाई इज इक्वल टू केते आसला एम एक्स प्लस सी ओके इटा इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बुझेला तो इक्वेशन ऑफ लाइन सो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म रे कोन समस्त एटा पूरा मन बॉक्स करिकि 3 दे दियो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी तो आमको स्लोप माने एम दिया हितबो आ इंटरसेप्ट माने सी दिया हितबो तो डायरेक्ट वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखबा ऑलराइट तो एवरीवन नोट डाउन दिस कांसेप्ट तो बेटा वाई इंटरसेप्ट देथियो तार इक्वेशन लिखबा सिकिले सपोज आमको दिया हिची इफ एल लाइन लो कौन स्लोप विथ स्लोप इज इक्वल टू एम एंड एक्स आई माने कौन एक्स इंटरसेप्ट शॉर्ट रे मु लिखुची एटा एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू डी दे सो ए लाइन लो इक्वेशन बेटा केमती हबो समस्त ऑब्जर्व करो क्लोजली ऑब्जर्व करो गुटे लाइन अछि एटा धपर लाइन एल ओके यार स्लोप देछि केते एम ओके एबे बुझिबा एक्स इंटरसेप्ट माने कौन तार बेटा एक्स इंटरसेप्ट माने होची ए लाइन टा एक्स एक्सिस को जो पॉइंट रे कट करूची सपोज ए पॉइंट टा बी ओके सपोज ए पॉइंट टा बी तो सेई पॉइंट रो डिस्टेंस ओरिजिन थारु केते ओके तो एठी कोन देछि एक्स इंटरसेप्ट डी एक्स इंटरसेप्ट माने लाइन टा एक्स एक्सिस को जो पॉइंट रे कट करूची बा मीट करूची बा छेद करूची तो सेई पॉइंट रो डिस्टेंस ओरिजिन थारु केते तो सही पॉइंट रो डिस्टेंस केते दे देची डी ओके सो एबे हमें कौन स्लोप जणा आछि गुटे पॉइंट जदि काढी दबा लाइन ऊपर तो तामर हमर पॉइंट सो स्लोप फॉर्म यूज करके इक्वेशन लो लाइन लिखि परिबा यस ऑर नो सो पॉइंट बी रो कोऑर्डिनेट केते हिजबो
आमे जानी एक्स एक्सिस ऊपर वाई कोऑर्डिनेट जीरो सब बेले एही बी पॉइंट टा एक्स एक्सिस ऊपर रही तार वाई कोऑर्डिनेट जीरो बट एक्स कोऑर्डिनेट केते हबो एक्स कोऑर्डिनेट केते हबो ना वाई एक्सिस थारु डिस्टेंस केते सो एही डिस्टेंस डी कोन इंडिकेट करूची ना वाई एक्सिस थारु डिस्टेंस टाकु सो आमे लेखि परबा एक्स कोऑर्डिनेट डी यस ऑर नो ता माने बी पॉइंट रो कोऑर्डिनेट कोन पाइले डी कॉमा जीरो सेही पॉइंट टा का ऊपर अछि हमरो गिवन लाइन उपर से पॉइंट टा लाय करूची ता माने ए लाइन लो स्लोप पाई गले गुटे पॉइंट पाई गले तो पॉइंट स्लोप फॉर्मेट यूज करी की हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिखि परबा कि नहीं यस लिखि परबा अतएव इक्वेशन ऑफ लाइन ब्रैकेट भीतर लिखि दियो यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म मैक्सिमम टाइम जत फर्स्ट ईयर टा मु पूरा शॉर्ट फॉर्म रे पढाए because there is no board exam so we have to prepare from the entrance view point okay to ps mane kon point slope form to amku uta point jana achi slope jana achi equation kon hue y minus y1 is equal to x minus m into x minus x1 m given achi ethi y1 kete x1 is equal to d y1 kete 0 okay so sab put kar daba y minus y1 kete 0 m whole into x minus d so equation kete paile y is equal to m whole into x minus d okay eta kono equation of line when slope and x intercept is given bujhela ki nahi very important eta maximum boy re concept available nahi only y intercept re kaam khatam ho jaye but मुझाई कहली कि एंट्रेंस रे ये कॉन्सेप्ट आसीबो ओके सो सेम सिमिलर वाई कॉन्सेप्ट वाई इंटरसेप्ट रो कॉन्सेप्ट जाए सेम बट मैक्सिमम बॉय रे ये कॉन्सेप्ट कवर हो न था बुझीला सो आम एटी कौन पाइले जदि गोटे लाइन रो स्लोप आउ एक्स इंटरसेप्ट दे थी तार इक्वेशन के हम डायरेक्ट वाई इज इक्वल टू एम होल इंटू एक्स माइनस एक्स इंटरसेप्ट बट वाई इंटरसेप्ट दे वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एटी सी टा कौन वाई इंटरसेप्ट एटी डी टा कौन एक्स इंटरसेप्ट एति की डिफरेंस जदि स्लोप आउ वाई इंटरसेप्ट दे थी इक्वेशन ऑफ लाइन एटा हबो जदि स्लोप आउ एक्स इंटरसेप्ट दे थी इक्वेशन ऑफ लाइन एटा हबो सो एवरीवन नोट डाउन वेरी इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट देन वी विल सॉल्व ए क्वेश्चन टू क्लारिफाई आवर डाउट ऑलराइट सो मेक ए नोट वीडियो को पॉज कर दियो समस्त नोट डाउन कर दियो पिला मैंने नोट हेगला ओके तो आम ए गोटे क्वेश्चन सॉल्व करवा यही जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट रे ओके स्लोप आउ वाई इंटरसेप्ट दे थी तार इक्वेशन केमती काढ़ इक्वेशन अनुसार आउ स्लोप एक्स इंटरसेप्ट दे थी तार इक्वेशन केमती काढ़ फॉर्मेट रे ऑलराइट सो लेट अस डिस्कस ए प्रॉब्लम तो डियर स्टूडेंट एबे जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट रो जो डिस्कशन करले ता बेसिस रे गोटे क्वेश्चन सॉल्व करवा राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइंस With slope m is equal to 1/2, तो slope कौन दे देची 1/2, आउ कौन condition देची, गुटे line रो y intercept दे देची केते minus 1/2 अच्छी, तो cell line लो equation लेखो, फुनी second line लो कौन data अच्छी, slope दी जन करो same, slope सब बोले 1/2, but first line लो c दे देची, माने y intercept, second line लो कौन देची डी देची सेकंड लाइन लो कौन देची डी जोटा एक्स इंटरसेप्ट तो एल लाइन लो इक्वेशन लिखा एल लाइन लो इक्वेशन लिखा ऑलराइट सो फास्ट पाई कौन गिवन अच्छी एम इज इक्वल टू हाफ बा 1/2 स्लोप कौन देची 1/2 वाई इंटरसेप्ट कौन देची माइनस 1/2 बट आम जस्ट एवं पढ़ले कौन इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट कौन पढ़ले वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ओके सो एम रो वैल्यू केते पके दबा 1/2 इनटू एक्स सी रो वैल्यू केते माइनस हाफ तो पुट कर देला परे एकु 2 टा एलसीएम जीवो क्रॉस मल्ट एलसीएम माने लॉस आगु तो एटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देले ठी 2y इज इक्वल टू x माइनस 1 ओके सो ए 2y टा सपुट ने जीवा x माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन गुटे लाइन लो स्लोप 1/2 थिबो तार y इंटरसेप्ट माइनस हाफ थिबो देन इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी x माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ऑलराइट
सो एवरीवन नोट डाउन। तो बेटा हमें अबे सेकंड बीट डिस्कशन करिबा। सेकंड बीट रे कौन देइछि गुटे लाइन लो स्लोप देइछि तार एक्स इंटरसेप्ट देइछि डी सिंबल मन रखिबो एक्स इंटरसेप्ट थ्रू आउट द चैप्टर मु सिंबल यूज करबी एम माने स्लोप डी माने एक्स इंटरसेप्ट स्मॉल सी माने y इंटरसेप्ट ऑलराइट। सो इक्वेशन ऑफ लाइन कौन पढ़िले जेतेबेले स्लोप आउ एक्स इंटरसेप्ट देथिबो जस्ट प्रीवियस हमें डिस्कशन कले कौन ले पढ़िले जे y इज इक्वल टू एम होल इनटू एक्स माइनस डी। ओके सो y रो रहला एम केते देछि 1/2 डी केते देछि 3 देछि सो बट एटि माइनस थाए ना सो माइनस रहला ए 2 टा एटि क्रॉस मल्टीप्लाई हिजबो 2 इज 2y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। ओके यही जो दीटा टर्म को लेफ्ट साइड को नहीं आसीबा तो साइन चेंज है जो एक्स टा प्लस थिला माइनस है गला एटा माइनस थिला प्लस है गला। सो इक्वेशन कौन पाइले हमें कौन पाइले बेटा कौन पाइले ठीक इक्वेशन 2y माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एटा कौन हमरो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। सो जदि गुटे लाइन लो स्लोप हाफ थिबो 1/2 आ एक्स इंटरसेप्ट 3 थिबो तार इक्वेशन केते हि जिवो 2y माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके ऑल राइट एवरीवन नोट डाउन दिस क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सो एवरीवन गो थ्रू द लेक्चर फर्स्ट आफ्टर वाचिंग दिस लेक्चर यू विल सॉल्व DPP7 व्हिच विल बी प्रोवाइडेड बाय मी इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। ऑल राइट डियर स्टूडेंट इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट रिमेनिंग स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। देयर आर रिमेनिंग 3 स्टैंडर्ड फॉर्म्स वी विल डिस्कस 1/1। ओके इन द नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करबा आ बेटा कोन आफ्टर 1 वीक माने मे मंथ रो 20 रु 25 तारिख भीतर हम ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर स्टार्ट करबा बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मॉर्निंग रे चालू थबो इवनिंग रे हम ट्रिगोनोमेट्री क्लास नबा सेति पई सब स्टूडेंट मानू को मु रिक्वेस्ट करू छी आ गुटे सेपरेट नोट्स बनांतु ट्रिगोनोमेट्री रे काहे कि ना ट्रिगोनोमेट्री इज वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द जेई व्यू पॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन पई आ बोर्ड एग्जामिनेशन पई। सेकंड ईयर रे इंटीग्रेशन डेरिवेटिव आउट इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर थ्रू आउट ए तीनटा चैप्टर रे ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई हबो आ एंट्रेंस रे भी बहुत तो सेति पई सेई चैप्टर टा बेसी इंपोर्टेंट आ दिस वन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एई दीटा चैप्टर रे जे मास्टर हे गला फर्स्ट ईयर रे he knows mathematics in details aw anya anya chota chota chapter achi mu 1 by 1 cover karibi but ei dita chapter very important ame maseru dad mase ei dita chapter completely padiba all right okay then ei chapter ra 5 to 7 classes pare mu kichi je question karibi je main le to engineering entrance re kemti question asi ame discussion kariba okay don't only for that stay connected with our platform we are trying day and night to provide you everything all right beta and you have to do one job for us just subscribe the channel and share with all the friends school friends as well as college friends that you are having so sab friends manang soito am channel ko share karo so that we are trying to provide quality education in each corners of odisha odisha ro sab jagah re jemiti ei online platform re samasta pila mane to sahaj upay re padi parantu we are trying day and night for that only but you have to do one thing just share the channel and like our video if you are facing any difficulty in any concept then do write in the comment box we will make some video related to that doubt all right so today we'll stop here thank you everyone for joining the class okay so let's stop here Vande Mataram Jai Hind Namaskar।